बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आज 15वां दिन है, जहां राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा को लेकर आज सत्ता पक्ष की पार्टियों ने विरोध जताया है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तानाशाही वाली सरकार है और यह विपक्ष को खत्म करना चाहती है। ये प्रोग्रेस यहाँ भी है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह की हरकत जनता देख रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव से वो घबरा गए हैं। निश्चित तौर पर ये प्रोग्रेस यहाँ भी है और चारों तरफ देश के कोने कोने में चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सारे हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल राहुल गांधी जी के ऊपर जो हुआ, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल बहुत खराब है। वो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आज 15वां दिन है, जहां राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा को लेकर आज सत्ता पक्ष की पार्टियों ने विरोध जताया है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तानाशाही वाली सरकार है और यह विपक्ष को खत्म करना चाहती है। ये प्रोग्रेस यहाँ भी है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह की हरकत जनता देख रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव से वो घबरा गए हैं। निश्चित तौर पर ये प्रोग्रेस यहाँ भी है और चारों तरफ देश के कोने कोने में चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सारे हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल राहुल गांधी जी के ऊपर जो हुआ, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल बहुत खराब है। वो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आज 15वां दिन है, जहां राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा को लेकर आज सत्ता पक्ष की पार्टियों ने विरोध जताया है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तानाशाही वाली सरकार है और यह विपक्ष को खत्म करना चाहती है। ये प्रोग्रेस यहाँ भी है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह की हरकत जनता देख रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव से वो घबरा गए हैं। निश्चित तौर पर ये प्रोग्रेस यहाँ भी है और चारों तरफ देश के कोने कोने में चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सारे हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल राहुल गांधी जी के ऊपर जो हुआ, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल बहुत खराब है। वो